हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम एक पोएम को डिस्कस करेंगे। पोएम का नाम है मदर टू सन। इस पोएम को लैंगस्टन ह्यूज ने लिखा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये जो पोएम है ये एक मोटिवेटिंग पोएम है, इसके साथ साथ ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। मोनोलॉग का मतलब होता है जहाँ पर सिर्फ एक आदमी बोलता है। यहाँ पर सन का कोई भी बात नहीं है, सिर्फ माँ अपना जो लाइफ का एक्सपीरियंसेस है, लाइफ का जो स्ट्रगल है वो सन को बता रहा है। और इसके साथ साथ लाइफ का जो स्ट्रगल है उसे कैसे हमें फेस करना है, एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो सन लिखा गया है, मदर टू सन जो पोएम का नाम है, सन का मतलब सिर्फ एक बच्चा नहीं है। यहाँ पर सन का मतलब है जो होल एफ्रो अमेरिकन कम्युनिटी है, उन सबको ये सन रिप्रेजेंट करता है। वेल सन, आई विल टेल यू, लाइफ फॉर मी एंड मीन नो क्रिस्टल स्टेयर, इट्स हैड टैक्स इन इट एंड स्प्लिंटर्स एंड बोर्ड टर्न ऑफ एंड प्लेसेस विथ नो कारपेट ऑन द फ्लोर बेयर। लैंगस्टन ह्यूज ने इस पोएम में बहुत ही अच्छे तरीके से मेटाफर का यूज किया है। लाइफ का जो स्ट्रगल होता है उसे एक स्टेयर के साथ यहाँ पर कंपेयर किया गया है। तो माँ अपने जो सन है उसे क्या बता रही है, लाइफ फॉर मी एंड विन नो क्रिस्टल स्टेयर, लाइफ मेरे लिए एक क्रिस्टल स्टेयर नहीं है। क्रिस्टल स्टेयर का मतलब लाइफ हर वक्त स्मूथ नहीं होता, लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। और वो क्या बता रही है, इट्स हैड टैक्स इन इट एंड स्प्लिंटर्स एंड बोर्ड्स टर्न अप। तो इस लाइव में क्या है, इस यहाँ पर तो स्टेयर लिखा गया है, तो स्टेयर में क्या है, टैक्स इन इट। टैक्स का मतलब होता है जो शार्प नेल्स होते हैं उसे टैक्स कहा गया है। स्प्लिंटर्स, स्प्लिंटर्स का मतलब होता है जो ब्रोकन पीसेस होते हैं वुड्स के, जो शार्प होते हैं उसे स्प्लिंटर्स कहा जाता है। और कई जगहों पर ये जो बोर्ड है वो पुराने हो गए हैं, वो कभी भी टूट सकते हैं। एंड प्लेसेस विथ नो कारपेट ऑन द फ्लोर, ये जो फ्लोर है यहाँ पर कारपेट भी नहीं है। तो इसका मतलब है, ये एक मेटाफर है, इसका मतलब है लाइफ में, लाइफ कभी स्मूथ नहीं होता, लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है, बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं। जैसे कि स्टेयर में जैसे कि टैक्स हैं, स्प्लिंटर्स हैं, वैसे ही लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें भी होती है। बट ऑल द टाइम आई हैव बीन क्लाइंबिंग ऑन एंड रीचिंग लैंडिंग्स एंड टर्निंग कॉर्नर्स एंड समटाइम्स गोइंग इन द डार्क वेयर देयर एंड विन नो लाइट। इस स्टेयर में बहुत सारे नुकीले चीज हैं, नेल्स हैं, स्प्लिंटर्स हैं, जो टूटे हुए ऊड के पीसेस हैं, इसके बावजूद भी हमें इस स्टेयर को चढ़ना पड़ता है। ठीक सेम टाइप लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, इसके बावजूद भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए माँ अपने सन को क्या बता रहा है, आई हैव बीन क्लाइंबिंग ऑन, मैं हमेशा इस जो स्टेयर है ये चढ़ती रहती हूँ, यानी कि लाइफ में मैं आगे बढ़ती रहती हूँ। एंड रीचिंग लैंडिंग्स एंड टर्निंग कॉर्नर्स, लाइफ में जो मुश्किल घड़ियाँ होती हैं वहाँ पर भी मैं खरा उतरता हूँ और आगे बढ़ता रहता हूँ। एंड समटाइम्स गोइंग इन द डार्क, एंड बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, बहुत सारी ऐसे समय होते हैं जहाँ पर गोइंग इन द डार्क, यानी कि जहाँ पर हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, यानी कि इसका मतलब है लाइफ में ऐसे परिस्थितियां बहुत सारी होती हैं जहां पर होपलेस हो जाता है, कहीं भी कोई भी होप नहीं मिलता है हमें, फिर भी हमें उस मुश्किल परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और आगे बढ़ना चाहिए। सो बॉय डोंट यू टर्न बैक, डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स, कॉज यू फाइंड इट्स काइंडर हार्ड, डोंट यू फॉलो नाउ, फॉर आई हैव स्टिल गोइंग हनी, आई हैव स्टिल क्लाइंबिंग and life for me and been no crystal stair। माँ सन को बताते हुए ये कह रही है कि ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, लेकिन उन सब से हमें डरना नहीं है, उन सब से भागना नहीं है। जैसे स्टेयर में टैक्स होने के बावजूद, नेल्स होने के बावजूद हमें एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक सेम टाइप हमें ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारी बाधाएँ हैं, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं है, आगे बढ़ते चले जाना है। इतने मुश्किलों के बाद तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी तुम शुरुआत में हार मत मान लेना, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना।
मेरी एज होने के बावजूद मैं आज भी सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, यानी कि लाइफ का जो डिफ़िकल्ट है उसे फेस कर रहा हूँ। आई हैव स्टिल क्लाइंबिंग, मैं आज भी आगे बढ़ती रही हूँ। एंड लाइफ फॉर मी एंड विन नो क्रिस्टल स्टार। एंड जो मदर है, जो माँ है, वो सन को बताते हुए फिर से बोल रही है कि मेरी जो ज़िंदगी है ये स्मूथ स्टार नहीं है, ये क्रिस्टल स्टार नहीं है, मेरी जो ज़िंदगी है ये मुश्किलों से भरा हुआ है। आई होप ये पोएम आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माई स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।